हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है गरीब की किस्मत की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज की ये कहानी। ऐश्वर्या एक गरीब औरत थी। वो अपने बेटे आयुष और पति विजय के साथ रहती थी। उसका पति विजय दूसरों के घर पर मजदूरी किया करता था जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। एक दिन विजय का बेटा आयुष उससे कुछ कहता है, पापा पापा मुझे कुछ नए कपड़े चाहिए क्योंकि मेरे सारे कपड़े फटे और पुराने हैं। मैं कब तक ऐसे ही कपड़े पहनते रहूँगा? बेटा तुम्हें तो पता है ना कि हम कितने गरीब हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें कल रोटी खाने को भी मिलेगी या नहीं। कपड़े तो दूर की बात है, तुझे मैं कैसे नए कपड़े ला कर दूँ बेटा? पर पापा मेरे सभी दोस्त तो बहुत अमीर हैं, पर हम इतने गरीब क्यों हैं? बेटा हम गरीब भले ही हैं, पर हम ईमानदारी के पैसे खाते हैं, हम बेईमानी का नहीं खाते हैं। देखना किसी न किसी दिन हमारी मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, जब हम अमीर होंगे तब मैं तेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आऊंगी। आयुष अपने माता पिता की बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन ऐश्वर्या की सहेली उसके घर पर आती है। अरे यार ऐश्वर्या, आजकल तू बहुत कम दिखाई दे रही है। अरे ये क्या यार, तू अभी भी गरीब की गरीबी है? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम गरीब लोग रह कैसे लेते हो। मुझे तो गरीबी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैंने कल ही एक नई गाड़ी ली है जो कि पूरे 8 लाख रुपए की है। क्या 8 लाख की गाड़ी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि 8 लाख रुपए होते कितने हैं। तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आता कहाँ से है? अब क्या बताऊँ, तुझे तो पता ही है कि मेरे पति की सरकारी नौकरी है। वो लोगों से रिश्वत लेकर खूब सारा पैसा कमाते हैं। अगर तू बोल तो तेरे पति की नौकरी भी अपने यहाँ लगवा दूँ। नहीं पारो, तू रहने दे। मेरे पति अपनी मेहनत और ईमानदारी से जितने भी पैसे कमाते हैं वो हमारे हक के पैसे हैं। हमें रिश्वत वाली नौकरी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। वैसे भी मैं तो तेरी भलाई के लिए ही बोल रही थी। अब तू कर या ना कर इसमें मेरा क्या, पर एक बात मैं तुझे बता देती हूँ, आजकल ईमानदारी से कुछ नहीं होता। जब तक हम रिश्वत नहीं लेते तब तक हम अमीर नहीं हो पाएंगे, समझी? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। भगवान मेहनत करने वाले लोगों को भी अमीर बना देते हैं। माना कि हम अभी अमीर नहीं हैं, पर देखना एक न एक दिन हम अमीर जरूर होंगे। अबे चल, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे भी तेरे नसीब में गरीबी में ही रहना लिखा है। तू आज भी गरीब है और आगे भी गरीब की गरीबी रहेगी। चल मैं अभी चलती हूँ। इस तरह उसकी सहेली उसका बहुत मजाक उड़ाती थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आयुष अपनी माँ से कहता है, माँ माँ बहुत भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाने को दे दो ना माँ। बेटा घर में राशन खत्म हो गया है, ऊपर से तुम्हारे पापा को कुछ दिनों से कोई काम भी नहीं मिला, इसीलिए राशन नहीं आ पाया। पर माँ कल भी तो हम भूखे ही सोए थे और आज भी हमें भूखा ही सोना पड़ेगा क्या? बेटा अब हम कर भी क्या सकते हैं? हम इतने ज्यादा गरीब हैं कि हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है, और ऊपर से तुम्हारे पापा को भी कोई काम नहीं मिल रहा है। बेटा आज भी हमें बिना खाए पिए सोना पड़ेगा। फिर क्या, उस दिन पूरे परिवार में से कोई भी कुछ भी नहीं खाता और सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन भगवान आखिरकार ऐश्वर्या की सुन ही लेते हैं।
क्योंकि एक दिन विजय को एक बहुत बड़े जमींदार के यहाँ काम मिल जाता है। वहाँ पर विजय काफी मेहनत करके काम करता है, जिसे देखकर उसका सेठ खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह विजय, क्या मस्त काम करते हो तुम, कितने मेहनती हो, मैं तुम्हारे इस काम से काफी ज्यादा खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ उपहार दे रहा हूँ। ये लो पूरे 50 लाख रुपए, ये मैं तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के चलते तुम्हें उपहार में दे रहा हूँ। इससे तुम अपना घर बनवा लेना और बाकी बचे पैसे का राशन भी ले लेना। क्या 50 लाख रुपए? धन्यवाद सेठ जी, मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपका धन्यवाद शब्दों में नहीं कर सकता, मैं आपका आभारी जिंदगी भर रहूँगा। फिर क्या, विजय अपने घर वापस आ जाता है और घर आकर वो एक नई कार खरीदता है, जिसे देखकर उसके फैमिली मेंबर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं, अरे वाह पापा, इतनी अच्छी कार, ऐसी कार तो मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ जी, सच में मैंने भी इतनी सुंदर और बड़ी कार अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। चलो आज हम सब लोग इस कार में घूमने चलते हैं और वहाँ खूब मस्ती करेंगे। फिर विजय और उसका परिवार कार में बैठकर घूमने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में जाते समय वहाँ पर ऐश्वर्या की सहेली ऐश्वर्या से मिलती है। तभी ऐश्वर्या अपनी सहेली से कहती है, देख पारो, हमने भी तुम्हारे जैसी एक नई कार ली है, अब हम भी अमीर हो चुके हैं, अब हम अपनी कार में खूब शान से घूमेंगे। पर ये क्या, तेरी कार कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? वो क्या है ना ऐश्वर्या, हमने अपनी कार बेच दी। क्या, तुमने अपनी कार बेच दी? पर क्यों? तुम्हारे पास तो इतना ज्यादा पैसा है, फिर तुम्हें कार बेचने की क्या जरूरत पड़ी? मुझे माफ कर दो ऐश्वर्या, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था। वो क्या है ना कि पुलिस ने मेरे पति को रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था, साथ ही साथ घर कार और सारे पैसे भी जब्त कर लिए हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम भी अब गरीब हो चुके हैं। मैंने किसी तरह से अपने पति को जेल से छुड़ाया है पर अब हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, क्या तुम हमारी कुछ मदद कर सकती हो? हाँ हाँ पारो, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। मैं तुम्हें अपने घर में रखूँगी और हम सब लोग साथ में रहेंगे, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। फिर क्या, ऐश्वर्या और उसकी सहेली पारो काफी अच्छी दोस्त बन जाती हैं और वो अमीरी गरीबी अब नहीं देखती, क्योंकि उनका दिल अब एक हो चुका था। इस तरह से पूरी फैमिली एक साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगती है। ये कहानी जबलपुर की है। जबलपुर के एक छोटे से गांव में आनंद और उसकी पत्नी सीमा रहती थी। सीमा गर्भवती थी और जल्द ही वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। मुझे तो बेटी ही चाहिए। हाँ मुझे भी। एक महीने बाद सीमा ने एक बच्ची को जन्म दिया, पर उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आनंद और सीमा दोनों रंग से गोरे थे, पर उनकी बेटी काली थी। समझ नहीं आ रहा कि ये काली कैसे पैदा हुई है। अब रंग का क्या है, रंग तो भगवान की देन है, जैसी भी है तो ये हमारी ही बेटी ना। मेरे कितने अरमान थे कि मेरी बेटी होगी तो वो कितनी खूबसूरत होगी, पर पता नहीं मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मुझे ये काली बेटी दे दी। अब बस भी करो, बच्ची के रंग के लिए भगवान को मत कोसो, जैसी भी है ये हमारी बेटी है, मेरी प्यारी बेटी, और आज से इसका नाम आस्था है। आनंद को काले रंग से कोई ऐतराज नहीं था,
पर सीमा को काला रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बचपन से ही सीमा आस्था को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। माँ, मुझे वो लाल रंग का फ्रॉक चाहिए। किस लिए? तू इतनी कारी है और तुझे लाल फ्रॉक क्यों चाहिए? वो लाल फ्रॉक पहनकर तू और भी ज्यादा काली लगेगी। सीमा, अब बस भी करो, वो काली है, इसमें उसकी क्या गलती है? हाँ, सारी गलती तो मेरी ही है ना, जब मैं इसकी माँ हूँ। सीमा की ये बातें सुनकर आस्था रो पड़ती है। तभी आनंद उसे गोद में उठाकर उसे शांत कराता है, पर सीमा को वो एक आग भी नहीं भाती। खैर, एक साल बाद सीमा ने एक और बच्ची को जन्म दिया। ये बच्ची बहुत ही गोरी थी, जिसे देखकर सीमा बहुत खुश थी। आखिर भगवान ने मेरी सुन ही ली, देखिए ना, देखिए कितनी गोरी है। ये सब तो ठीक है, पर अब तुम दोनों बच्चों में रंग की वजह से भेदभाव मत करना। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं आस्था की सौतेली माँ हूँ। मेरा बोलने का ये मतलब नहीं था। मैं सब समझती हूँ। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। आनंद ने बच्ची को अपनी गोद में उठाया। अरे रे रे रे, मेरी लाडली, रो मत रो मत। लाइए, मुझे दीजिए, ये मेरी लाडली है और इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। और ये बहुत गोरी है, इसके लिए इसका नाम है कनक। अच्छा नाम है। कनक के जन्म के बाद सीमा ने आस्था पर ध्यान ही देना छोड़ दिया। वो बेचारी बच्ची कोने में बैठकर रो रही थी। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? माँ ने मुझे डांटा। कोई बात नहीं, अच्छा ये बताओ तुमने खाना खाया या नहीं? नहीं। क्यों? शाम के 6 बज रहे हैं और अब तक तुम्हें खाना नहीं मिला। माँ ने कहा था कि वो कनक को सुलाने के बाद खाना देंगी, पर अब तक वो नहीं आई। आनंद समझ गया था कि सीमा कनक और आस्था में भेदभाव करने लगी है। इस पागल औरत को समझाकर कुछ नहीं होगा, इसके लिए मुझे खुद ही आस्था का ख्याल रखना होगा। उस दिन से आनंद ने खुद आस्था की देखभाल करना शुरू की। वो आस्था को खाना खिलाता था और स्कूल भी छोड़ने जाया करता था। बाप बेटी का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहा था। 10 साल बीत गए, कनक 10 साल की थी और आस्था 15 साल की। कनक का रिजल्ट आया था और वो फेल हो गई थी, और इस वजह से आनंद तमतमाया हुआ था। कनक, ये कोई मार्क्स है? हिंदी में 2 मार्क्स, मैथ में 4 और साइंस में 6। तुम्हारी बहन आस्था स्कूल में फर्स्ट आती है और तुम हो कि तुम पास भी नहीं हो पाती, शर्म नहीं आती तुम्हें? आनंद कनक को डांट ही रहा था कि तभी सीमा वहाँ पर आ गई। अब कम से कम इस काली का नाम लेकर मेरी बेटी को तो मत डांटिए। क्या हुआ, बस मार्क्स ही तो कम आए हैं ना? सीमा, ये तुम्हें आम बात लग रही है? जब फेल होगी ना तो पूरी दुनिया हम पर हंसेगी। वैसे ही कहाँ कम हंसते हैं लोग, काली की माँ बोलकर सब लोग चिढ़ाते हैं मुझे। ये काला रंग ना हुआ है, श्राप हो गया है। उसका काला रंग तुम्हें दिख रहा है, पर उसकी इतनी सारी खूबियाँ तुम्हें नहीं दिखाई देती। और कनक हर साल स्कूल में फेल हो जाती है, क्या ये तुम्हें नहीं दिख रहा? दिन भर कनक को सजाती रहती हो, थोड़ा उसे पढ़ा भी दिया करो। मेरी बेटी को मैं देख लूँगी, तुम अपनी आस्था को देखो, 3-4 साल में वो जवान हो जाएगी, उसकी शादी के लिए बहुत दहेज देना पड़ेगा, काली है ना? जाओ पहले दहेज के पैसे जमाओ। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। आस्था को बहुत बुरा लगता था जब उसकी माँ उसके रंग पर ताना मारती थी। सिर्फ उसकी माँ ही नहीं, बल्कि गांव वाले भी उसे काली काली करके
चढ़ाया करते थे, इसलिए शायद आस्था ने दोस्तों से ज्यादा पढ़ाई को ज्यादा समय दिया। वो अपने गांव की सबसे समझदार पढ़ाकू लड़की थी। दसवीं कक्षा में आस्था ने पूरे जिले में टॉप किया था। उस दिन आनंद बहुत खुश था, उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कुछ साल और बीत गए और आस्था आईएएस की तैयारी कर रही थी। अब तक 25 लड़कों ने आस्था को मना कर दिया है, लगता नहीं कि इसकी शादी कभी होगी भी। मेरी कनक के लिए अच्छा रिश्ता आया है, क्यों ना उसकी शादी हम पहले करवा दें? आनंद ने आस्था की ओर देखा। वैसे भी आस्था को आईएएस बनने के लिए अभी समय चाहिए, तो तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। कनक दिखने में बहुत सुंदर थी, इसीलिए उसकी जल्दी शादी हो गई। कुछ ही महीने बाद आस्था आईएएस के इंटरव्यू के लिए गई और वो वहाँ सेलेक्ट हो गई। वो खुशी खुशी घर पहुँची तो वहाँ कनक आई हुई थी। क्या हुआ, आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्या होगा, तेरी बहन कनक को सजने संवरने के अलावा और कुछ आता है क्या? सास ने काम करने को बोला होगा तो इस महारानी ने बिना सोचे समझे झगड़ा कर लिया होगा, इसीलिए इसकी सास ने इसे वापस मायके भेज दिया। अच्छा अच्छा, तो ये सब छोड़, ये बता कि तेरा इंटरव्यू कैसा था? मेरा सिलेक्शन हो गया और जल्द ही मैं इस एरिया की कलेक्टर बनूंगी। सच्ची? अब मेरी आईएएस बेटी से शादी करने के लिए रिश्तों की लाइन लग जाएगी। आज सीमा भी बहुत खुश थी। सीमा शर्मिंदा थी, एक और उसकी गोरी बेटी कनक थी जिसे ससुराल वालों ने निकाल दिया था, और एक और उसकी काली बेटी जिसने पूरे परिवार की इज्जत बढ़ाई थी। आज सीमा को समझ आ गया कि रंग में कुछ नहीं रहता, इंसान की असली काबिलियत उसके गुणों में होती है। अब जब आस्था अपनी लाल पट्टी की गाड़ी से आती थी तो आनंद और सीमा दोनों गर्व से उसे देखा करते थे। काश मैंने कनक को भी आस्था की तरह पाला होता तो आज वो मायके नहीं लौटती। कोई बात नहीं, वो समझदार है, धीरे धीरे सुधर जाएगी। कुछ महीनों बाद आस्था के लिए एक पुलिस ऑफिसर का रिश्ता आया। आस्था को लड़का पसंद था और इसीलिए आस्था और उस लड़के की शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई। आस्था भले ही काली थी पर कोई उसे उफ तक नहीं बोल सकता था, आखिर वो उस शहर की कलेक्टर जो थी। आस्था ने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखी। कौन कहता है कि काली बेटियों की शादी नहीं होती, आस्था जैसी बेटियां नसीब से मिलती हैं।